हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में क्लास 10 में आपका जो टॉपिक चल रहा था स्वपरागण और परपरागण, दोनों में हम समझ चुके थे क्या होता है। आज हम उन्हीं दोनों टॉपिकों में अंतर पढ़ते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक है एक तरफ स्वपरागण और दूसरी तरफ परपरागण, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो पहला पॉइंट है स्वपरागण में, देखिए एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है। यानी जो स्वपरागण की क्रिया है वो एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के पर लगे पुष्पों के बीच में होता है। यानी इसमें नर भाग पौधे का और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, और इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। यानी एक ही पुष्प में दोनों लिंग यानी नर भाग और मादा भाग दोनों का उपस्थित होना जरूरी है, जबकि परपरागण में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग पौधों पर लगे पुष्पों के बीच परागण होता है। यानी परपरागण इसमें जो है पुष्प एक नहीं हो सकता है, पुष्प अलग अलग पौधों पर लगा होगा। यानी इसमें पुष्प में नर भाग और मादा भाग अलग अलग पुष्पों में विकसित होते हैं, इसलिए अलग अलग पुष्पों का होना आवश्यक है। या इसमें परागण जो है अलग अलग लगे पौधों पर होता है, यानी दूसरे पौधे पर लगा पुष्प नर हो और दूसरे पौधे पर लगा पुष्प मादा हो, उनके बीच में परागण होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, स्वपरागण में नर और मादा एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। यानी पौधे का नर एवं मादा भाग, ठीक है, मादा भाग यहाँ पर लिखिए एक साथ, पौधे का नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। पौधे का नर भाग उमंग और मादा भाग जायांग या पुंकेसर और स्त्री केसर कहलाता है, क्योंकि इसमें परागण स्व होगा, स्वपरागण होगा और दोनों ही नर और मादा भाग एक ही पुष्प पर हैं, इसीलिए दोनों भागों का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। जब दोनों एक साथ परिपक्व होंगे तभी स्वपरागण की क्रिया होगी। जबकि इसमें एक ही पुष्प के नर उमंग तथा मादा जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, क्योंकि इसमें पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे हुए होते हैं, तो अलग अलग पौधे पर भी कई पुष्प लगे होते हैं, तो किसी न किसी समय एक पुष्प के जननांग विकसित हो ही जाते हैं और दूसरे पुष्प से परागण लेकर के परागण की क्रिया हो जाती है। इसलिए इसमें दोनों के नर जननांग यानी उमंग और मादा जननांग यानी जायांग अलग अलग समय विकसित होते हैं, इसीलिए स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, स्वपरागण में पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। यानी आपको पता है कि इसमें पुष्प द्विलिंगी होगा और दोनों ही जननांग एक ही पुष्प में उपस्थित हैं और दोनों का परिपक्व होना एक साथ जरूरी है, इसलिए इसमें प्राकृतिक रूप से स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, दोनों इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं कि नर के जो परागकण हैं वो मादा के वर्तिकाग्र तक आसानी से स्वतः ही पहुंच जाते हैं। यानी ज़्यादा उनको जो है समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं परागकण को पहुंचने में, क्योंकि उन दोनों की शारीरिक संरचना इस प्रकार से ही निर्मित होती है। तो नर का जो नर से उत्पन्न परागकण है वो मादा के भाग यानी वर्तिकाग्र तक आसानी से पहुंचता है, जिससे जो है परागण की क्रिया या निषेचन की क्रिया पूर्ण हो सके। परंतु परागण में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पुंकेसर व जायांग प्रायः इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुंच पाए, क्योंकि इसमें परागकण
पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी शारीरिक संरचना इस प्रकार से नहीं बनी होती है। तो नहीं बनी होने के कारण इनको परागण के लिए किसी न किसी दूसरे साधन की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। तो आइए अगले उसमें देखिए, पॉइंट में वही है कि स्वपरागण के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी स्वपरागण की क्रिया करने के लिए किसी बाह्य माध्यम का साधन जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके नर और मादा भाग पुष्प के दोनों इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि नर का जो नर से उत्पन्न पराग कण है नरजननांग से, वो मादा के वर्तिकाग्र तक आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु पर परागण में ऐसा नहीं है, इसमें माध्यम जरूरत पड़ता है। देखिए, पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें जो पुष्प है वो अलग अलग पौधों के बीच में परागण होता है, अलग अलग पौधों पर पुष्प लगे होते हैं, इसलिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का पहुंचने के लिए जो है वायु, जल, कीट या जंतु की आवश्यकता होती है। यानी वायु, जल, कीट या जंतु जो है इसमें परागण करवाने के लिए माध्यम का काम करते हैं, साधन का काम करते हैं। अब देखिए, कीट के द्वारा परागण कैसे होता है। कीट, पतंगे, मधुमक्खियाँ, वर वगैरह जो हैं मकरंद को चूसने के लिए, मकरंद को लेने के लिए ये पुष्पों पर बैठती हैं और इनके जो है शरीर में पराग कण चिपक जाते हैं, और जब ये एक पुष्प से उड़कर के दूसरे पुष्प पर बैठती हैं जाकर के, तब पराग कण दूसरे पुष्प पर छोड़ देती हैं और इस प्रकार पुष्पों के बीच में परागण होता है और कीट पतंगे माध्यम का काम करते हैं। इसी प्रकार जब जल द्वारा परागण होता है तो जो जलीय पौधे हैं उनमें परागण जल में गिर जाते हैं और वो जल के माध्यम से एक जलीय पौधे से दूसरे जलीय पौधे तक वो परागण आसानी से पहुंच जाते हैं। वायु द्वारा परागण, इसमें वायु के माध्यम से परागण उड़ करके दूसरे मादा भाग पर या दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, जिससे परागण होता है। तो पर परागण के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, माध्यम आपका जल, वायु, जंतु, कीट पतंगे हो सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, अंतिम, पुष्प प्रायः छोटे, अनाकर्षक, सुगंध रहित तथा मकरंद रहित होते हैं। यानी जो स्वपरागण जिन पुष्पों में होता है, जिन पौधों की पुष्पों में स्वपरागण की क्रिया होती है, उनके जो पुष्प होते हैं प्रायः चटकीले रंग के नहीं होते हैं, मटमैले रंग के होते हैं, इसलिए वो आकर्षक नहीं दिखाई देते हैं, उनमें किसी प्रकार की खुशबू सुगंध नहीं होती है और मकरंद रहित होते हैं, यानी उसमें मकरंद नहीं होते हैं। परागकण के ऊपर छोटे छोटे चमकीले सूक्ष्म कण होते हैं जो मकरंद कहलाते हैं, यानी उस पर मकरंद भी नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार के पौधों में इन सब चीज़ों की इसलिए आवश्यकता नहीं है या इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है, स्वपरागण होता है। परंतु इसमें पर परागण में इस प्रकार के पुष्पों की विशेषता होती है कि ये पुष्प प्रायः चटकीले रंग के होते हैं, यानी डार आकर्षित करने वाले रंग के होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं और बड़े होते हैं, प्रायः बड़े भी होते हैं और समूहों में, छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पुष्पों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी कीट पतंगों को ये पुष्प अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि कीट पतंगों द्वारा इनमें परागण होता है, इसलिए कीट पतंगों को ये पुष्प अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इन पुष्पों के रंग चटकीले, आकर्षक, सुगंध युक्त, मकरंद युक्त होते हैं। और पुष्प इन मकरंदों को देख करके, इनकी सुगंध को देख करके, आकर्षक रंग को देख करके इन पुष्पों पर बैठते हैं और परागण की क्रिया को पूर्ण कराते हैं। तो इस प्रकार था स्वपरागण और पर परागण दोनों में अंतर। आप अपनी कॉपी में दोनों में अंतर को फेयर करना और अच्छे से लर्न भी करना।